पहुंच गए जी साहब। आज किसानों का बहुत बड़ा रैली होने वाला है। ध्यान रखना तुम्हारे एरिया से जैसे कोई उस रैली को ना जा पाए। सबको समझा बुझा के रोक के रखना। आप चिंता मत करो साहब, हम सब संभाल लेंगे। बाय। एक मिनट चाचा जी, कहाँ जा रहे हो? किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहा हूँ। अरे चाचा, जो भी हो रहा है आप लोगों के अच्छे के लिए हो रहा है। मेरी बात मानो, आप घर जाओ। अगर अच्छे के लिए होता ना तो हजार हजार किसान इतने दिनों से इस कानून के खिलाफ धरने पे नहीं बैठे होते। सरकार हमसे हमारे अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अच्छा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों। पता है मीडिया में तुम लोगों को क्या बोला जा रहा है? देशद्रोही, देशद्रोही हो तुम लोग। अरे बिक चुका है ये मीडिया, और उसके साथ साथ तुम लोग भी बिक चुके हो। मुंह संभाल के बात कर, तुझे पता है मैं कौन हूँ? और तुझे पता है मैं कौन हूँ? हाँ पता है, देशद्रोही है तू। क्या यही बात तू मेरे बेटे के सामने बोल सकता है? कौन है तेरा बेटा? एमएलए का खास आदमी। इस एरिया में किसी का हिम्मत नहीं जो मेरे सामने खड़ा हो सके। बुला तेरे बेटे को। तो चलो मेरे साथ। चलो। ये है मेरा बेटा। क्या इसके सामने तू बोल सकता है कि इसका बाप एक देशद्रोही है? जिस नेता और मंत्री के तुम चमचागिरी कर रहे हो ना, वो उनके फायदे के लिए तुमको इस्तेमाल करेंगे, और दो चार पुलिस के स्टुकवा के सारी जिंदगी तुमको उनके आगे पीछे घुमाएंगे, पर उनके बेटे को लंदन अमेरिका जैसे बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाएंगे। कभी सुना है कोई एमएलए या मंत्री का बेटा देश के लिए शहीद हुआ हो? नहीं। जब बात देश की आता है ना, तो सबसे पहले हमारे जैसे किसान और मजदूर का बेटा ही सीना ठोक कर बॉर्डर पर खड़ा होता है। जो किसान सारे देश के लिए अनाज पैदा करता है और जिनके बच्चे जाकर बॉर्डर पर देश के लिए शहीद हो रहे हैं, वो हो गए देशद्रोही। ये लड़ाई हमारी हक के लिए है। आखिर दम तक हम पीछे नहीं हटेंगे।